क्या आप वाकई तुष्टीकरण 2020 का मैच खेल रहे हैं? सवाल ये लग रहा है कि क्या सरकार के दबाव में आज जब आप रैली के लिए निकले तो आपको तिरंगा लेकर यात्रा करनी पड़ी, ये दिखाने के लिए कि हम भारत की तरफ लॉयल है, तिरंगा लेकर ही घूमते हैं। क्या सरकार के दबाव में ये करना पड़ा आपको? अब तिरंगे से ही बनेगी बात? नहीं 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 मैडम, आपको गलत फहमी है। हमने तिरंगा इसलिए लिया कि हम देश को ये बता रहे हैं कि जो तिरंगा लेकर गोडसे की जबान में बात करते हैं, जो तिरंगा लेकर भारत के सेकुलरिज्म को बर्बाद करना चाहते हैं, जो तिरंगा लेकर गांधी और अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि अब तिरंगा हम उठाएंगे, क्योंकि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को हम तब्दील होने नहीं देंगे, हम गांधी के ख्वाबों को चकनाचूर होने नहीं देंगे, हम राजेंद्र प्रसाद के उम्मीदों पर पानी फिरने नहीं देंगे, हम सरदार पटेल के उन तमाम हौसलों को बुलंद रखेंगे, इसीलिए हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये कोई हम वफादारी के लिए या सरकार के दबाव में नहीं है, हरगिज नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ना आपके दबाव में है, ना तुष्टीकरण का 2020 है उनका कहना है, और ये एनपीआर और एनआरसी के नाम पर की दोनों अलग है, आप धूल झोंक रहे हैं देश की आंखों में, तीनों पर आपका जवाब। तुष्टीकरण का तो बड़ा लंबा मैच चल रहा है, 70 साल से चल रहा है, 60-65 साल से तो मुसलसल चल रहा है, और सबने इसमें जम के बैटिंग की है, और ओबीसी जी जैसी पार्टियां तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल के आ गई। और जब ये लोग आके ये कहते हैं कि हम तो तिरंगा इसलिए लाएंगे कि हम सेकुलरिज्म के पक्ष में, तो यही तो वो पार्टी है जो कहती थी ट्रिपल तलाक पे कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बोलने वाला, जब महरम हटाया गया तो कौन होता है बोलने वाला, जब शाबानो केस हुआ तो शरीयत के का ही नियम लागू होना चाहिए वो सेकुलरिज्म है, मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ होना चाहिए वो सेकुलरिज्म है। यही वो पार्टी थी जो कहती थी वंदे मातरम तो छोड़िए, कहां लिखा है संविधान में कि राष्ट्रगान गाया जाए तो खड़े होना चाहिए? याद करिए अंजना जी, हम लोगों ने भी वो डिबेट की है और ओवैसी जी स्वयं भी उस डिबेट में शामिल होते थे, तिरंगा झंडा फहराया जाए तो कहां खड़े होना चाहिए? और वो लोग जब यहां पर आकर ये बात कहते हैं तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, अभी नकाब पोशों के बारे में तफ्तीश चल रही है मगर यहां चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब साफ दिखाई पड़ रहा है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। यहां पर सेकुलरिज्म विषय नहीं है, यहां पर विषय केवल तुष्टीकरण करके भड़काना है। वैसी जी, सुधांशु जी, आज तक देखते रहिए, नकाब पोश से नकाब उठाने का काम आज तक कर रहा है जेएनयू का, देख लीजिए कौन नकाब लगाकर कैसा बच्चों को जेएनयू में हमला किया था, और क्या उनका ताल्लुक एबीवीपी से था नहीं था, वो 9 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो नकाब उस देख लीजिए, अभी एबीवीपी देख आप आज तक देखते रहिए, नकाब आपके चेहरे पे जो आप डाल रहे हैं वो निकल जाएगा। रहा सवाल ट्रिपल तलाक का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने कहा कि नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको ही मानना पड़ेगा मुझे ही मानना पड़ेगा, मगर अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं हूं तो क्या मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा हूं, क्या मुझ पर कोई मुकदमा है? तो नहीं हो सकता है। तीसरी बात सुधांशु जी, आप ये बात ये क्यों समझ रहे हैं कि आप ठेका लेकर बैठे हैं या आपकी पार्टी या आपकी सोच रखने वाले कि आप ही तिरंगा उठाएंगे? अगर हम तिरंगा उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम अंबेडकर और गांधी की बात कर रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? आपको परेशानी इसलिए हो रही है कि पहली मर्तबा CAA के नाम पर देश की जनता, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब निकले हैं, ये अपने मजहब के लिए नहीं बल्कि देश के लिए निकले हैं, देश को बचाने के लिए निकले हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये देश किसी एक मजहब के ऊपर चले। और इस देश की खूबसूरती हमेशा ये रही सुधांशु साहब कि ये देश तमाम मजाहिब को मानता है और मानता रहेगा। आप इस बात को मानने को हरगिज तैयार नहीं है कि पूरे मुल्क में आपने जो कानून बनाया उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। शाहीन नगर में, शाहीन बाग में तो बिचारी वो खवातीन सर्दी में बैठकर एहतजाज कर रही हैं, और जो सरकार जो कानून बनाई वो तो गर्म हीटर में बैठकर मजे ले रही है, ये भी आवाम जनता देख रही है। तो कोई अपीजमेंट के लिए नहीं किया जा रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वादा किया गया था
उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस मुल्क की रूह को बचाने के लिए। और रहा सवाल नेशनल सॉन्ग्स का, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जब पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होता है तो जब वंदे मातरम पढ़ा जाता है तो कई वीडियोस हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खड़ा है, उसमें खड़ा है, क्योंकि नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम का। सुधांशु जी आप आज देख लीजिए, हमने नेशनल एंथम पढ़ा, सब पढ़े, मगर आपके लिए नहीं पढ़ा हमने, हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि देश के लिए पढ़ा हमने। आपसे कोई डर है और आपसे उम्मीद भी क्यों करें, क्योंकि आपकी सरकार ने तो ऐसा काम कर दिया कि वैसी जी, लेकिन ऐसी कल्पना की थी आपने कि नकाबपोश थे, ऐसी कल्पना की थी आपने, अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि आपको सड़क पर ऐसे तिरंगा लेकर चलना पड़े, आपको वहां पर जनगण मन गाना पड़े, आपने कल्पना की थी इसकी? अगर गैर बीजेपी सरकार भी इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाती तो यही नतीजा होता, यही नतीजा होता, आप मुतमईन रहिए। अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो या नॉन बीजेपी की सरकार हो या किसी के भी हो, हम किसी पार्टी के को देखकर अपना प्रोटेस्ट नहीं करते। लेकिन जब देश की इस रूह को, उसके इथॉस को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है तो इससे सरकार किसी की भी हो उसके खिलाफ आवाज उठना जरूरी है। लेकिन मन में क्या, मन में है और नहीं होती तो क्या होता? बिल्कुल होता, ठीक है ओवैसी जी, लेकिन मन में क्या ये रहता है हमेशा कि ये सरकार चूंकि ऐसे तमाम आंदोलन को लेकर बाद में सवाल खड़ा कर देती है, कई जगहों पर हिंसा हो जाती है, तो इन सब को रोकने के लिए जो ये हर किसी को देशद्रोही का तमगा देते हैं उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए तिरंगा लेकर निकलना ज्यादा बेहतर होता है, क्या ये हिस्सा था आपकी सोच का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल में एक जवाब छुपा हुआ है, एक पैगाम छुपा हुआ है। पैगाम क्या है कि क्या मैं सुधांशु साहब का दिल जीतने के लिए कर रहा हूं, क्या मैं सुधांशु साहब के डर से कर रहा हूं? हरगिज नहीं कर रहा हूं, ना मुझे उनका दिल जीतना है ना मुझे उनसे खौफ है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस मुल्क का एक अव्वल दर्जे का शहरी हूं और बहसियत एक इंडियन सिटीजन के मुझे राइट है अपने संविधान को बचाने का, मुझे राइट है अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने का, मुझे इस बात की पूरा राइट दिया गया है कि जो संविधान मुझे हमारे बुजुर्गों ने दिया, फाउंडिंग फादर्स ने दिया, हम उसको जिंदा रखें। अगर आज इस मुल्क में अंबेडकर, गांधी, नेहरू, पटेल जिंदा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मर गए, बल्कि आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे मुल्क में उससे देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस मुल्क में आज गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, प्रसाद जिंदा हैं, जो उनके नाम से नहीं है मगर ये तमाम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अंजुना जी, जिस तरह गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ किया था, इसी तरह आज देश ऐसी सरकार के खिलाफ, CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। सुधांशु जी इसमें तुष्टीकरण वाला एंगल जरा समझाइए, वो समझ नहीं आ रहा अभी तक। जो आज प्रोटेस्ट, तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर निकले, हम बता रहे इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं अंजना जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप मुस्लिमों के खिलाफ कुछ कर रहे थे और ये उनके पक्ष में चले गए, उनको उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या है लॉजिक, क्या है सर? मतलब आप मुस्लिमों के खिलाफ कुछ कर रहे थे, ये उनके पक्ष में चले गए और तुष्टीकरण कर रहे हैं? देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है अंजना जी, मैं पूरा लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, पुराना एक गाने की पंक्ति आपको याद है ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और ये बदले वक्त की पहचान ऐसी आई है कि हर आदमी को मजबूरी में देश में निशान लेके चलना पड़ रहा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मोदी सरकार आने से पहले कितने प्रोटेस्ट में तिरंगे नजर आते थे, अब इसलिए नजर आते हैं क्योंकि बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार नजर आती है, इसलिए ये हालत है। अब दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने कहा ठेकेदारी, हमने कब कहा ठेकेदारी जनाब? ठेकेदारी तो इस देश में एक ही पार्टी ने ली थी, तिरंगे की ठेकेदारी उन्हीं की थी, सेक्युलरिज्म की ठेकेदारी उन्हीं की थी, स्वतंत्रता आंदोलन की ठेकेदारी उन्हीं की थी, देश की ठेकेदारी उन्हीं की थी और गांधी जी की ठेकेदारी उन्हीं की थी। उन ठेकेदारों के जब बहुत सब्सिडरी ठेकेदार पैदा हो गए ना, उनमें होड़ हो गई, जैसे मार्केट में होड़ हो जाती ना, अब मुझसे बड़ा ठेकेदार कौन? जैसे अंजना जी आजकल एक जाड़े का मौसम चल रहा है तो हर कंपनी कहती है सबसे सही और विश्वसनीय च्यवनप्राश मेरा है,
तो अब मुसलमानों के बीच में मुस्लिम वोटों के लिए पूरे देश में कव्वाली चल रही है कि भाई तुमका तुम्हारे सबसे बड़े अलंबरदार हम, तुम्हारे सबसे बड़े झंडा बरदार हम। और आप देखिए हकीकत क्या है, यह आंदोलन कहां शुरू हुआ था कि असम की संस्कृति की रक्षा करनी है, जब सीए और एनआरसी की बात आई थी और शुरू कहां हुआ, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नदवातुल उलेमा और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद हैदराबाद के हैं, वो सबसे बड़े झंडा बरदार बन गए। सुनिए रेजोल्यूशन कहां पास हुआ, केरल की असेंबली में, और सुनिए भीड़ कहां इकट्ठा हुई, मुंबई के कोलाबा में, और पोस्टर क्या लगाया, फ्री कश्मीर। तो सब दिख गया कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं सिर्फ ओवैसी साहब आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि हर चीज में, मैं फिर वो वर्ड नहीं लाना चाहता था भाई, पार्टियों का समझ ही में नहीं आता ये क्या मोहब्बत है पड़ोसी मुल्क के साथ, कि पहले आपका एक नेता जाके वहां पाकिस्तान में कहता है मोदी को हटाओ, फिर दूसरा नेता विपक्ष का जाता है और वहां के सेना अध्यक्ष को कहता है गले लगाओ, अब पूरे देश में आंदोलन इस बात का है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत में बसाओ, और तो और शेर भी पाकिस्तानी शायर का गाओ, गजब की बात है भाई, ये तो मेरे समझ से परे है। ये हम इसमें कौन सा राष्ट्रवाद है, आप चाहे तिरंगा उठा लीजिए, चाहे वंदे मातरम गा लीजिए, मगर सबको चेहरे के पीछे का चेहरा दिखाई। ठीक है, वैसे जी जवाब दीजिए, आरोप उनका इस बात से शुरू हुआ था कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं, और भी बड़ी बड़ी बातें बोलिए। नहीं नहीं, मैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नहीं हूं, मैं जो अंदर हूं वो बाहर हूं। अब ये अंदर बाहर की गुफ्तगू तो बहुत लंबी चले जाएगी। मैं सुधांशु जी को बताना चाहूँगा कि आपको सफरानी याद है, कौन है सफरानी है, ज़रा तारीख उठाकर पढ़ लीजिए। सुधांशु जी आप बड़े नॉलेजेबल हैं, बीजेपी में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, मगर जो पढ़े लिखे हैं उसमें आपका शुमार होता है। सफरानी ने तिरंगा बनाया था, रहा सवाल दूसरी बात के वो कोई लीडर गया पाकिस्तान को, मुझे याद है कि अफगानिस्तान से जब मोदी जी प्लेन में जा रहे थे तो नीचे उनको बहुत ज्यादा लाइट और पटाखे फूटते नजर आए, तो पायलट से पूछा कि क्या नजारा दिख रहा है, तो पायलट ने कहा कि मोदी जी शरीफ के घर में शादी है, तो बिन बुलाए मेहमान प्रधानमंत्री उतर गए शरीफ के पास, शादी में चले गए, और हमको क्या मिला, हमारे एयरफोर्स पर हमला मिला। तो पाकिस्तान की ज्यादा बात तो सुधांशु जी आप लोग करते, हम तो करते भी नहीं, हमारे बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचते हम लोग। प्रधानमंत्री का खुद कहना कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, प्रधानमंत्री को हम, देखिए देश के प्रधानमंत्री आप मोदी जी हैं, हम उनसे सवाल करेंगे, हम उनसे पूछेंगे, मगर मोदी जी बोलते कि पाकिस्तान से पूछो। आप हर गलत काम तो आपकी सरकार करती है और आप कहते हैं कि इनसे पूछो। सुधांशु जी आप इस बात को, मेरा एक आखिरी बात आप सुन लीजिए, आप ये बता दीजिए कि आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा नहीं कहा कि 5,40,000 जो बंगाली हिंदू है उनको CAA के नाम पर सिटीजनशिप मिलेगी, क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने नहीं कहा कि ये मिलने से हम 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतेंगे। तीसरी बात, क्या ये सच नहीं है कि जब हिंदू बंगाली को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत की सिटीजनशिप मिलेगी तो जो 5 लाख मुसलमान बचे आसाम में उनको तो फॉरन स्टेबल में केस लड़ना पड़ेगा। बताइए क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा नहीं कहा ये, मैं आपको वीडियोस दिखा दे सकता हूं। ये बात कही, जिसे हम कह रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, मजहब के नाम पर तो राजनीति आप कर रहे हैं। आपने अभी गाना गाया कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, मगर आप तो मुसलमान को छोड़ दिए ना सुधांशु जी, आपने ऐसा कानून बनाया कि मुसलमान को छोड़ दिए। अब इसके बाद आपका जवाब क्या होगा कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। अरे भाई पाकिस्तान से मुझे करना क्या है, आखिर आपने इस तरह का कानून बनाकर किस पर शक किया, किसकी वफादारियों पर आपने शक किया, ये आपको सोचना चाहिए।